गुरु गोबिंद सिंह कलगी धर जी भाई मनी सिंह जी कोलों गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लिखवा रहे सन। उस वेले बाबा दीप सिंह जी कोल बह के बाणी दी लिखाई दी विद्या भी सिखदे सन ते कलमा भी कढ़ के दिंदे सन ते बाबा जी भाई मनी सिंह होरां दी पूरी हैल्प करदे सन लिखण वेले। उस समय गुरु दसवें पातशाह बाणी बोली जांदे सन ते भाई मनी सिंह जी लिखी जांदे सन। इह पंगतियां वारां दे वधीक च आईयां। जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर धर तली गली मेरी आओ हित मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै पाण दा तीजै। जे तैनू प्रेम दी खेड खेडण दा शौक है तां इस गली च सिर तली ते धर के आ। सीस दे दी पर कांड ना करी तां गल बणेगी। भाई मनी सिंह जी लिख रहे ने कलगी धर जी ये बचन बोल रहे ने और ये बचन हन गुरु नानक देव जी दे पहले पातशाह दे सलोक महला पहला है वारां दे वधीक विच लिख रहे ने भाई मनी सिंह दसवें पातशाह कलगी धर जी लिखवा रहे ने बाबा दीप सिंह कोल बैठे। उस वेले बाबा दीप सिंह की उम्र 25-26 साल की सी जदों ये गुरु ग्रंथ साहब लिखिया जवानी की उम्र। बाबा दीप सिंह जी ने सतगुरां को पुछया महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज पिता जी ओ कृपा करके दसो ये किदां हो सकता है भाई कोई आदमी अपना सीस तली ते धर के तुरे जे सीस ही कटिया गया वो तुरेगा किवें। सीस कटिया जावे और तली ते धर लवे ते फिर वो तुरेगा किवें औखा ही है ना। सीस कटिया गया तां शरीर डिग पएगा। महाराज तुसी गुरु नानक साहब कहिंदे आ वी तली ते धर के आओ ये किदां हो सकदा है। कलगीधर पातशाह इस नौजवान सिंह वल देख के मुस्कुरा पए ते कहण लगे दीप सिंह समा आवेगा ये बचन असी तेरे कोलों पूरे करा देंगे। दसवें पातशाह दा वर सतगुरां दा बचन फलीभूत होया। जदों बाबा जी जंग दे मैदान विच टाला साहब जिथे स्थान है चब्बे तो थोड़ी दूरी ते उत्थे पहुंचे हन सीस उतर गया। कोल खड़े सिंह ने आख्या बाबा जी बचन तां कीता सी हरिमंदर साहब जा के सीस देंगे पर राह विच डेरे ला ले ने। दुनिया दे विच अनोखा करिश्मा वरत्या बाबा जी दा सीस तली ते आ गया ते खंडा फट के खलो के जंग करन लग पे। दुश्मन दलां नूं भाजड़ां पा दित्तियां और सात संगत जी श्री हरिमंदर साहब नूं वैरियां तों आजाद करा लिया। अज साडे विच कुछ ऐसे लोग भी हन जिहड़े कहिंदे आ इह तां हो नहीं सकदा पर खालसा जी इह गुरु दे बचन सन गुरु साहब कुछ करा सकदा। गुरु दे च कला है। गुरु बाबा दीप सिंह जी ते कला वरता के उन्हां दा सीस तली ते धर के लड़ा सकदा।